हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। दिस इज़ लेक्चर फॉर द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। आज है May 4th मंडे 2020। तो ये जो करंट अफेयर्स का कोर्स है, दिस इज़ अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम्स। इसकी आपको डिटेल्स चाहिए सो यू कैन विजिट synopsisis.in। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको स्पेशल कोर्सेज के लिंक्स, कुछ लिंक्स यहाँ भी दिए हुए हैं। यू कैन डायरेक्टली नेविगेट टू स्पेशल कोर्सेज, यहाँ सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। ये जो स्पेशल कोर्सेज हैं, ये रेलेवेंट जो प्री के लिए है वो प्री क्लासरूम के साथ इंक्लूड किया गया है, और जो मेंस वाले हैं वो मेंस क्लासरूम के साथ इंक्लूड किए गए हैं। लाइक दैट ये टेस्ट सीरीज़ और ऑप्शनल्स के भी पार्ट हैं। ऑप्शनल में सारे स्पेशल कोर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। All the subjects, all the courses are bilingual, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऐसे ही चलते हैं। आई थिंक ओनली कोचिंग, अभी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे और आपको नहीं प्रोवाइड करता होगा। तो करंट अफेयर्स में देखते हैं ERMB। वट इज़ दिस ERMB? ई रेनमिनबी है। रेनमिनबी या युआन एक ही चीज़ है। ये डिजिटल करेंसी चाइना बनाना चाह रहा है। युआन चाइना की करेंसी है और चाइना पहली मेजर इकोनॉमी बनना चाह रहा है, पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है जो कि डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है। चाइना का सेंट्रल बैंक, जैसे अपने RBI है ऐसे वहाँ PBC है, चाइना का सेंट्रल बैंक वो सोल इश्यूअर होगा। अब यहाँ की जो डिजिटल करेंसी है उसमें एक डिफरेंस है। नॉर्मली जो वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी है, ये सेंट्रल बैंक नहीं लॉन्च करते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन लॉन्च कर सकता है। इनफैक्ट आप और मैं भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये चाइना एक न्यू रिवॉल्यूशन टाइप लाने का प्लान कर रहा है, डेफिनेटली हमेशा करते ही रहते हैं इस टाइप के प्लानिंग। देन देयर इज़ वन ऐप, किसान सभा ऐप। इसमें सभा नहीं करेंगे बट फार्मर्स को सप्लाई चेन, आपूर्ति चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, माल ढुलाई प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने डेवलप किया है। आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन लोग ये डेवलप करते हैं। गवर्नेंस कैसे चलती है, यू शुड नो। देन ठिकरी फेरा, सो दिस इज़ कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम। पंजाब हरियाणा में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होती है? नॉर्मल पुलिस क्या होती है? वो लॉ एंड ऑर्डर्स पे चलती है। कम्युनिटी पुलिसिंग मेनली आपका एथिक्स और मोरालिटी की बात करती है। सपोज़ आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हो तो ये लोग खांस देंगे, जीन्स पहनने से मना कर देंगे, लाइक दैट। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ये लोग आपके फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, FLOD, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट टेररिज्म और इस टाइप की एक्टिविटीज़ में ये आपके काम करते हैं। देन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ या फिर समकालीन मुद्दे, ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो लगातार न्यूज़ में आते रहते हैं। डोंट कंसिडर दीज एट पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। ये कई सालों से चलते आ रहे हैं और लगातार कई सालों तक चलते रहेंगे। मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, MFI, ये लगातार न्यूज़ में रहते हैं। इसमें 4-5 मेन हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, AIIB और ये NDB, और अगर कोई होगा सिमिलर तो इस टाइप के बैंक्स, ठीक है। तो NDB क्या है? पहले इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट BDB के नाम से जाना जाता था। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो ब्रिक्स स्टेट्स, पांचों, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन सब ने बनाया है मिलके। इसका हेड क्वार्टर चाइना के शंघाई सिटी में है, और अगर आपको इसका याद करना है तो ब्रिक्स बैंक्स ब्रिक्स टावर में ही है, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर भी यहीं हुआ। फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन 2014 में किया था, 4 से 14 ऐसे याद कर लो, इससे NDB इस्टेब्लिश किया गया था। प्री के लिए फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेंस में आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, न्यू डेवलपमेंट बैंक के? पहली चीज़ तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो भी रीजनल ये डेवलपमेंट बैंक हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इंटरनेशनल ग्लोबल हैं, जैसे IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, उनसे इंडिपेंडेंस पाना, ठीक है। तो वो लेकिन अपने चार्टर में कोई नहीं लिखेगा, तो आपको भी नहीं लिखना है, वो आप एनालिसिस में लिख सकते हो। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट लिस्टेड दोज पॉइंट्स हियर। ऑब्जेक्टिव पहला क्या, पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट दोनों को ये सपोर्ट करता है, चाहे सार्वजनिक हो चाहे निजी हो, ठीक है। लोन्स भी देता है, इक्विटी देता है, गारंटी देता है, और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हो सकते हैं उसके थ्रू करता है, देन ये सपोर्ट करता है। ये सब फालतू से पॉइंट होते हैं, ठीक है। मेन्स आंसर राइटिंग जो कुछ नहीं आता हो तो इस टाइप के बकर करना शुरू कर दो। प्री में ऐसे आए तो ऑल ऑफ द अबव पे टिक मार दो, ओके। सो टू कॉपरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बाकी फाइनेंशियल एंटिटीज से कॉपरेट करना है, और टेक्निकल असिस्टेंस उन लोगों को प्रोवाइड करना है जिनको इन्होंने पैसा दिया है, जिनको सपोर्ट किया है। तो इसका शेयर और वोटिंग, ये वोटिंग राइट्स और शेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक में, IMF में क्या है कि आपने जितना शेयर लगाया उतने आपके वोटिंग राइट हैं, आपके पास वीटो पावर हो सकती है, उसको हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ क्या है, शेयर भी इक्वल है और उसकी वजह से वोटिंग पावर भी इक्वल है। इनिशियल जो सब्सक्राइबर्स थे 5 लोग हैं, सबके पास 20% है, समान हिस्सेदारी हुई शेयर में। देन वोटिंग पावर डेफिनेटली इन्होंने डिफाइन ऐसे किया, जितने सब्सक्राइब शेयर्स उतनी वोटिंग पावर। एक्चुअल में ये इनडायरेक्टली डिफाइंड है कि इक्वल है, ठीक है। तो किसी कंट्री के पास वीटो पावर है नहीं, सबने बराबर बराबर पैसे लगाए हैं, और यही इससे डिफरेंस है वर्ल्ड बैंक से।
यही इसको मोर डेमोक्रेटिक बनाता है। देन एक्सप्लेन्ड में और देखते हैं, सिनॉप्सिस इज एक्सप्लेन्ड इन फ्यूचर मोस्ट ऑफ द कोर्स की थीम और टैगलाइन होने वाली है, तो आप गूगल पे सीधे सर्च करो सिनॉप्सिस इज एक्सप्लेन्ड और टाइटल डाल देना। इनफैक्ट इस चीज़ से आपको गूगल और यूट्यूब दोनों पर आने वाले टाइम में आर्टिकल्स मिलेंगे। तो ये पेरिस में है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस है, ठीक है। देन OECD के फ्रेमवर्क में इसको बनाया गया था 1974 में, क्योंकि 1973 में ऑयल क्राइसिस हो गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से ही समझ में आता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, रिलायबल अफोर्डेबल और क्लीन, विश्वसनीय सस्ती स्वच्छ ऊर्जा देनी है इसको। मेंबर्स इसके क्या है, बहुत मेंबर्स नहीं है, 30 मेंबर्स हैं। मेंबर बनने के लिए कंट्री को OECD का मेंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो OECD का मेंबर है वो इसके मेंबर हो जाएंगे, रिवर्स इज नॉट ट्रू, इंडिया एसोसिएट मेंबर है इसका। रिपोर्ट्स IEA की क्या होती हैं, प्रीलिम्स के लिए 2020 में आपको इंपॉर्टेंट होती है, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, ग्लोबल एनर्जी, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिस्टिक्स, एनर्जी टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव एंड ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट। ये याद रखना, क्योंकि इसमें CO2 है तो आप कंफ्यूज होके कोई UNEP या उनकी मत ऐसे समझ लेना। और एक चीज़, जब भी आप रिपोर्ट्स पढ़ते हो ना, तो इन टर्म्स में हमेशा ध्यान रखो ग्लोबल लिखा है कि वर्ल्ड लिखा है, दोनों बहुत अलग अलग टर्म्स होती हैं। कई बार IMF ग्लोबल नाम से रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड बैंक सेम नाम की रिपोर्ट निकालता है, उसमें वर्ल्ड लिखा होता है, तो इसलिए आपको ये ग्लोबल और वर्ल्ड का कन्फ्यूज़न दूर रखना है। इसकी क्रिटिसिज्म क्या होती है, आलोचना क्या की जाती है, इसको बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया जाता है हमेशा कि हाईली एक्यूरेट फोरकास्ट देता है, पूर्वानुमान बहुत गलत है, फॉसिल फ्यूल में तो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है और रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सट्रीमली पैसिमिस्टिक है, ठीक है। ये इसलिए कहा जाता है कि IEA बना ही है जो आपका OECD मेंबर्स है और उनका डायरेक्ट रिलेशन है, जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी को नहीं प्रमोट करता और ऑयल या फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। देन इसी ने अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, इसने ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट रिलीज़ की है। देन फैक्ट फॉर मेंस, ये सब प्री के लिए कभी नहीं पूछेगा फैक्ट्स क्या हैं, इसमें से आपको जहाँ आंसर राइटिंग में ठीक लगे इसलिए आप लिख सकते हो। तो इसमें जो डेटा आपको ठीक लगे रख लो, 5-6% रिडक्शन हो जाएगा 2020 में एनर्जी डिमांड में, ग्लोबल एनर्जी डिमांड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई आई हैव रिटन दिस डेटा, ठीक है। ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज टर्म में 70 साल में स्टीपेस्ट डिक्लाइन है और लार्जेस्ट एवर डिक्लाइन इन एब्सोल्यूट टर्म है। 2008 की जो GFC थी उससे तो अराउंड 7-8 टाइम्स ज़्यादा होगा, आप सोचो कितना ज़्यादा अभी क्राइसिस में वर्ल्ड जाने के चांसेस हैं। जो भी फ्यूल्स हैं एक्सेप्ट रिन्यूएबल, उनमें बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन होना है डिमांड में, एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में स्टीपेस्ट डिक्लाइन होगा, इंडिया में पहली बार डिक्लाइन होगा एनर्जी में, ये दो फैक्ट याद कर लो। और इंडिया अभी फ़िलहाल पावर सरप्लस बन गया है पावर डेफिसिट से, अभी हम लोग पास स्पेशली ये बात ट्रू है एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में, तो ये फैक्ट आप प्री के लिए याद कर सकते हो। देन मेंस एग्जामिनेशन में कुछ भी न्यू नहीं है ऐसा जो मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दे सकता, सब फालतू से आर्टिकल्स हैं, आई डोंट थिंक इतने इंपॉर्टेंट है, पढ़ना हो तो पढ़ लो। एक टॉपिक है न्यू कैपिटलिज्म, मीन कैपिटलिज्म इन रीडिफाइंड वर्ल्ड, तो ये सारी चीज़ें, अब सारे आर्टिकल्स, इनफैक्ट UPSC सिलेबस इन रीडिफाइंड वर्ल्ड आपको तैयारी करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हो, ख़राब लगे तो डिसलाइक करके फीडबैक भी दे सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड day.